देवरी जनपद पंचायत में अधिकारियों से उनके विभागवार कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने प्रदेश के मंत्री हर्ष यादव पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों से वन टू वन बात करते हुए विभागवार कार्यों की समीक्षा की और वहीं लापरवाही अधिकारियों को फटकार भी लगाई। साथ ही आगे से ऐसी किसी भी लापरवाही पर सख्ती से निपटने की चेतावनी भी दी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से शासन की योजनाओं को लोगों तक सही तरीके से क्रियान्वित करने की बात कही। देवरी से त्रिवेंद्र जाट की रिपोर्ट। जनपद पंचायत जो है ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा अंग होता है, ग्रामीण विकास का। वो सरकार की योजनाओं को क्रियान्वयन कैसे हो, सरकार की योजना का हम आखिरी समाज के अंतिम व्यक्ति तक कैसे उसका पालन करवाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है जैसे मेरा मानना है। लंबे समय से मेरी इच्छा थी कि जनपद पंचायत के साथ बैठक करें, अधिकारियों के साथ बैठक करें, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करें। जो मैंने आज यहाँ देखा, जिस तरह से जनपद प्रतिनिधियों की अपेक्षा जनपद पंचायत के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा की जाती है, उसमें मैंने आज निर्देश दिए हैं कि हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों की जो भावनाएँ हैं, जो इच्छाएँ हैं, जो कार्य हैं, उसको मध्यप्रदेश सरकार की मंशानुसार पूरी किए जाएँ। मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री की स्पष्ट सोच है कि जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनको हम मजबूत करें, उनको हम सबल करें, और कहीं ना कहीं वो अंग जो कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र से जुड़े हुए नगरीय प्रशासन के क्षेत्र के मामले हों, चाहे ग्रामीण क्षेत्र पंचायत विकास के जुड़े हुए हमारे कार्यालय हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करके बिजली, सड़क और पानी के साथ साथ हम बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हम कैसे दे पा रहे हैं, बेहतर हम शिक्षा सुविधा कैसे हम दे पाएँ, बेहतर पेयजल हम कैसे उपलब्ध करवाएं, ये हमारी मानसिकता है। यहाँ जनप्रतिनिधियों की बात जरूर आई है, जो निर्वाचित जनपद सदस्य हैं उन्होंने एक बात जरूर कही है कि कहीं ना कहीं 4.5-5 वर्षों में अधिकारियों के द्वारा जो व्यवहार किया गया, जो जनपद पंचायत की सम्मान के साथ गड़बड़ की गई है, उसमें मैंने निर्देश दिए हैं कि जो भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं को यदि उठाते हैं तो उस पर समय सीमा में निराकरण हो, ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता भी है, मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता है, और जो इस पर पालन नहीं कर पा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित करें, उन ऐसे लोगों के खिलाफ। आज किसी प्रकार का निर्देश दिया गया है किसी पर कार्रवाई के लिए? कुछ लोगों के द्वारा ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि स्थानीय संस्थाओं के द्वारा जो सरपंच हैं, ग्राम पंचायत के सचिव हैं, सरपंचों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा, आम आदमी के द्वारा ये जानकारी प्राप्त हो रही थी कि जनपद पंचायत के कतिपय लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, मगर पैसे के काम नहीं करते हैं, उनके खिलाफ मैंने कार्रवाई करने के लिए कहा है। बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी मुख्यालय पर नहीं रहते हैं, जबकि उनकी जवाबदेही यही है कि मुख्यालय पर है, विकासखंड मुख्यालय पर है। मैंने जनपद सीईओ से कहा है कि आप सत्यापित करें कि समुख संबंधित लोग किस गाँव में रह रहे हैं, किस घर में रह रहे हैं, ये सत्यापन करवाएँ, उनसे लिखित में सत्यापन करवाएँ, और एक जवाबदेही संबंधित अधिकारियों को भी दिए मैंने, वो जाके देखें कि जिन्होंने उल्लेख किया है कि जिन आवास में, जिस मकान में वो लोग रहते हैं, वो रहते हैं कि नहीं रहते, कि झूठी जानकारी दी गई है, ये निर्देश मैंने दिए हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि यदि जो विकासखंड का अधिकारी है संबंधित मुख्यालय पर रहेगा तो निश्चित रूप से वो अपने कर्तव्यों का सही पालन कर पाएगा। अपडाउन संस्कृति पर हम सख्त हमारा रवैया है।